अपने इलाहाबाद क्षेत्र में गौ घाट के पास इस यमुना नदी के ऊपर बहुत से गोताखोर हैं। निषाद समुदाय इन नदियों पर आश्रित है और ये लोग गोताखोरी भी करते हैं। इन्हीं में से बच्चा लाल निषाद और उनके साथी लोग एक यूनियन बना रखी है, गोताखोरी यूनियन। इसमें करीब 25-30 लोग हैं। ये लोग 80-80 फीट की गहराई तक चले जाते हैं, वहाँ की मिट्टी लेकर के चले आते हैं, पैसा निकाल लाते हैं, जमीन में पड़ी हुई कोई भी वस्तु पानी के अंदर से ये ला सकते हैं। दिक्कत ये है कि जैसे कहीं कोई डूब गया या पुल पर से कूद गया तो हम लोग को पुलिस ले आ जा के काम करा लेती है। अगर उनसे मिले जिसका बॉडी है तो उनसे पैसा का कॉन्टेक्ट करते हैं, मगर जब ज़्यादा पैसा मांगते हैं तो पुलिस वाले हमको परेशान करते हैं। अक्सर इनकी जान भी चली जाती है। इन्हीं संगठन के दो साथियों की जान भी चली गई। आपके पिताजी की जान कैसे गई थी? एक लाश निकालने गए थे, ऐसा ना पुलिस वाले हैं जो जबरन उसको शराब पिला पिला के जबरन उसको बेच बेच के निकलवाते थे। उनका सर फंस गया, फंसने के बाद निकला ही नहीं, उनका डेड हो गया। आज जरूरत है इस समुदाय को बचाने की और इनको प्रशिक्षण दिलाने की और इनके पास सुरक्षा उपकरण हो सके ऐसी योजना बनाने की। तो आप लोग बिना किसी सुरक्षा उपकरण के गोताखोरी करते हैं? हाँ जी, क्या करें। सरकार से आपको सुविधाएं मिलती हैं? कोई सुविधा नहीं मिलती। अरे हमारी सुरक्षा होना चाहिए, हमको हमारे लिए कुछ होना चाहिए, परिवार के लिए। आप इनकी मदद कर सकते हैं, इन लोगों को सुरक्षा उपकरण दिला करके या सरकार के ऊपर दबाव डाल करके कि उन योजनाओं में अब इन लोगों को भी शामिल करें। आप इलाहाबाद के जिलाधिकारी को पत्र लिख सकते हैं या आप हमें भी सूचित कर सकते हैं कि इनकी किस तरह से मदद की जाए। मेरा ईमेल एड्रेस है ajit.bahadur@gmail.com। मैं अजीत बहादुर, इंडियन हर्ड के लिए इलाहाबाद से।